अगर इस रिपोर्ट की वजह पूछनी है तो मुझसे पूछें। झूठ है, इल्जाम है। चले मान लेते हैं कि ये झूठ है, लेकिन ऐसे कई सच हैं जिससे आप लायल हैं, जिसकी आपको खबर तक नहीं है। एक मिनट, सकीना, सकीना। जी भाभी। इधर आओ, जरा रहमत को बताओ कि जिस रात माँ पारा यहाँ मामा के पास रुकने के लिए आई थी तो वह कहाँ सोई थी? जी वो अम्मी जी तो उसका इंतजार करती रह गई थी, माँ पारा तो राइट भाई के कमरे में ही थी। तिलों का हाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पोती के करतूत सबने देखे हैं, और उन करतूतों को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि इस घर से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम चले जाएंगे इस घर से। बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाएं। और इस घर में अब आप लोगों के लिए बचा ही क्या है? जरा मेरे पांव को धुलाकर बताएं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपसे पांव धुलवाकर मैं कितनी पाक हो जाती हूँ। आपको यहाँ रहने के लिए मोहलत चाहिए ना, और अब तो रहमत भी नौकरी पर नहीं है, तो जब तक आप लोगों का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, आप यहाँ मेरे पांव धुलाने की नौकरी कर लें। चीजें चाहिए थी तो मांग लेती मुझसे, मगर उसने तो मेरे बेटे का लालच किया, मेरे रायत का। और रायत भी देखो कैसे उसकी बातों में आ गया। मामा, वो जानती थी कि रायत एक जज्बाती लड़का है, और वो उसकी बातों में आ जाएगा और वो कामयाब भी हो गई। लेकिन मामा, उसकी लालच सिर्फ रायत तक नहीं थी, वरना वो सुहेल को ना उकसाती। याद रखें, अगर आप उसकी शादी कहीं और भी कर देती ना, तो वो बहाने बहाने से इस घर में आती जाती रहती। और फिर सुहेल, वो तो मर्द है, कब तक रेजिस्ट करते? करतूत और नियत आपके बेटों की खराब है, और आप सच क्यों नहीं बोलते? बताए सबको कि आपने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। और भाभी, भाभी आपने तो मुझे देखा था ना, जब मैं यहाँ से आ रही थी, मैं इस दरवाजे से आई थी, आप मुझसे मिली थी ना। भाभी आपने मुझे देखा था, आप प्लीज बताएं इन लोगों को कि मैं सच बोल रही हूँ। दूर रहो मुझसे। भाभी, क्या हुआ है बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, हिसाब कर रही थी। किस चीज का हिसाब? अपनी जिंदगी का और अपने गुनाहों का। हो गया? मेरा तो हो गया। कहाँ जा रही है? मॉम, ये सब गुनाह मैंने अकेले नहीं किए, इसलिए हिसाब भी
मैं अकेले नहीं भुगतूंगी। सर, ये आपके खानदान की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। गुड, मतलब कि सब कुछ मेरे नाम हो गया। जी सर। किसी और साइन वाइन की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, किसी की जरूरत नहीं। फजल साहब के ओरिजिनल सिग्नेचर ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। अब आप जब चाहें हर चीज पर अपनी मलकियत क्लेम कर सकते हैं, वो भी बिना झिझक। ये कमाल तो फरीद का है, डैड के ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाए इसने। तुम्हारी ये वफादारी मैं भूलूंगा नहीं। मैं सर नमक हलाल बनता हूं, जिसका नमक खाता हूं उसकी नमक हलाली करता हूं। अब आप मेरे नए मालिक हैं तो आपसे वफादारी तो फर्ज बनता है ना मेरा। एक बार मेरी होकर तो देखो मां बारा। दिल पर तो शुरू से हुक्मरानी है, घर पर दे सकें तो बात करें। कोई औरत आपको नजर उठाकर देखे, उसकी आंखें निकाल लेने का हक दे सकें तो बात करें। मां बारा, आपके दिल पर सिर्फ मेरा हक हो, मेरे अलावा कोई आपको सोचे तो गुनाह हो। इतना हक दे सके तो बात करें और तभी आइएगा। हमारे नए घर की फाइल, जहां हम दोनों सुकून से रहेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे उसी घर में जाना है जिस घर से मुझे धक्के मार के निकाला गया था। लेकिन वहां ये घर मुझे नहीं चाहिए। सुनिए, घर मेरे नाम कर दें। मैं आ रहा हूं मां पारा। तुमने मायूं बैठकर मेरा दिल जीत लिया। इसका मतलब है तुम्हें पक्का यकीन था कि मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में निछावर करने के लिए हासिल कर सकता हूं। अब मैं भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने आ रहा हूं। पूछोगी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? मां पारा से मिलने चलना है तो बताकर आऊं आपको। ये भी बता दूं कि आपकी बुरी नजर शुरू से मां पारा पर थी। आपने कभी सोचा है कि अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मां पारा बेकसूर है तो वो क्या करेंगे? उन्हें पता है। किसने बताया? मैंने। आपने? मेरे अलावा किसी और की इतनी जरूरत है क्या? तुम्हें क्या मैं इतना कच्चा खिलाड़ी लगता हूं जो अपनी गलतियां ना संभाल सकूं? मुझे कब कौन सा पत्ता कहां फेंकना है और किसे कब इस्तेमाल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो वो चाहती है मैं चाहती हूँ मम्मी जी उसे दे दे। जो वो चाहती है उसे मॉम नहीं दे सकती। तो आप दे दे। मैंने तुमसे कहा था ना मैंने तुमसे मां पारा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। क्या करेंगे, क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा,
मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सुहेल। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सुहेल प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सुहेल। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी सुहेल। तुम मापारा की राइट से नफरत का फायदा उठाना चाहते हो। बेवफाई का ये खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन इस खेल में तुम्हें खसारा ही होगा। तुम मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल पा नहीं सकोगे। महापारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। महापारा क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें दुल्हन बने देखने आया था। तसल्ली हो गई दिक्कत? अब जाओ यहाँ से। बाकी किसी और की हो जाओगी। हाँ हो जाऊंगी, और देखो मैं कितनी खुश भी हूं। खुश इस वक्त तुम बिल्कुल वो अनारकली लग रही हो जिसे दीवार में चुनवाने ले जा रहे हो। फिर तो तुम जाकर फौरन अपनी शेरवानी पहन लो। शेरवानी? हाँ, बहुत अरमान था ना मेरे जनाजे में अपनी शेरवानी पहनने का। तो मेरी शादी को मेरा जनाजा समझकर अटेंड कर। तुम्हारी शादी? अरे तुम्हें किसी और के साथ सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बादशाह ने अनारकली की जगह शहजादे को दीवारों में चुनवा दिया हो। दम घुटने लगता है मेरा, सांस लेना मुश्किल हो जाती है। सिसक सिसक के मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मरने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो जाओ जाकर मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम जब किसी और की हो जाओगी तो तुम भी मर जाओगी। बाज नहीं आओगे? तुम बाज नहीं आओगे मेरा जब्त आजमाने में? हाँ जब्त? तुम यहाँ पर दुल्हन बनी खड़ी हो मेरे सामने, और वो भी किसी और के लिए। मैं यहाँ पर सांस ले रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा जब्त आजमा रहा हूँ। बदनाम करने के लिए आए हो ना मुझे यहाँ पर? सबके सामने दोबारा रुस्वा करोगे ना? मुझे यही प्लान है ना तुम्हारा? तुम्हें बदनाम करने का सोचने से पहले मैं खुद मर जाऊंगा। तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है ना, तो जाओ करो। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करूंगा। Thank you.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں پارا جو صاحبزادی ہیں جناب رحمت حسین کی آپ کا سالار احمد جو صاحبزادے ہیں جناب سلیم سلیمان کے بعوض سکہ رائج الوقت 1,00,000 حق کا مہر آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے بولو بیٹا ایک منٹ ماں پارا یہاں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے حاجرہ جاؤ یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کی حقیقت اسے بتا دوں میں جانتی ہوں سب کچھ آپ جائیے یہاں سے تم نہیں جانتی ماں پارا تم کچھ بھی نہیں جانتی تمہیں یاد ہے امی جی نے تمہیں کہا تھا کہ رائے نے تمہیں تمہارے وقت کی قیمت دی ہے وہ رائے نے نہیں کہا تھا اس نے تو نیکلس والی بات بھی نہیں بتائی تھی بلکہ وہ تمہاری پیاری امی جی نے خود اپنے دل سے کہی تھی کیونکہ اس دن ممی جی نے اور میں نے زائد کو تمہیں وہ ہار پہناتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور رائد وہ تو آج بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی اس دن کرتا تھا جب سہیل نے تم پر گندی نگاہ ڈالی تھی اور سچ تو یہ ہے کہ جو خط پڑھ کر تم آئی تھی وہ رائد نہیں سہیل نے لکھا تھا رائد کا تو صرف نام استعمال ہوا تھا لیکن آپ نے خود کہا تھا مجھ سے کہ وہ سب ان دونوں بھائیوں کی پلاننگ ہے ہاں میں نے وہ جھوٹ کہا تھا نفرت میں کہا تھا اور رائد وہ تو ایک سائیکو پیشنٹ بن گیا تھا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا نہیں یقین تو پوچھو ان سب سے پوچھو میری بارات والی رات یاد ہے ماں پارا جب سہیل کے کہنے پر تم نے میرے گلے سے وہ ہار بدلا تھا اس نیکلس کے بدلے آپ یہاں میری عزت اتارنے آئی ہیں نہیں میں تمہیں یہاں رائد کی اصلیت بتانے آئی ہوں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل سکیں یہ وہ سارے بلز اور ریسپشنز ہیں رائد کو نروس بریک ڈاؤن ہوتا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا نروس بریک ڈاؤن میرے شوہر
मेरे एक्स हस्बैंड और तुम्हारे होने वाले शोहर ने रायत को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने तुम्हारे इश्क में कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। और अब वो सबकी सच्चाई जान चुका है, अब वो नहीं बचेगा। कौन शोहर, किसका शोहर? ये मेरे बेटे सालार की बीवी है, मेरी बहू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस जबान में बात करने की? आपकी बहू? हाँ, मेरी बहू। तुम सालार से शादी कर रही हो? इस गंदे से डस्टबिन से? ये गंदा डस्टबिन बहुत सारे लोगों की सोच और कैरेक्टर से ज्यादा साफ है। नाउ प्लीज गेट आउट। मेरी बेइज्जती से तुम्हें तकलीफ होती है तो सुनो, तुम्हारी तकलीफ माय फुट। मेरी तरफ से ना तुम भाड़ में जाओ। चलो मान लिया कि मैं ठीक लड़की नहीं। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो तुम मुझे दो, लेकिन प्लीज ऐसे मत करो। तुम ये शादी मत करो। मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। चुप! बिल्कुल चुप। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। तुम्हें जितना दूर जाना है ना महापारा तुम चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सह लूंगा। आई स्वेयर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी और की मत मानो। तुम तो तबरुक खाने वाले इंसान थे राय, अब क्या हुआ तुम्हारी फितरत को? इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं मापा, मुझे अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद करो अपना ये ढोंग। और खुद भी सुन लो और जाकर अपने भाई को भी बता दो कि मुझ पर अब तुम्हारी कोई बात असर नहीं करती।
सुना तुमने? अरे महापारा, अरे महापारा, 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 पर क्या हुआ इसे? महापारा, कहाँ है ये? कोई पानी लेके आओ, सलार पानी लेके आओ, सलार पानी लेके आओ। महापारा, आप क्या आ गई हैं? पीछे हटेंगे? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप ही जिम्मेदार हैं सब चीज की। महापारा, पानी लाओ कोई जल्दी से। महापारा, महापारा, महापारा। घर पर तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब कोई भी नहीं है? कहाँ गए सारे लोग? वो आज महापारा बाजी का निकाह है, सब शादी हल गए। मेरे बगैर उसका निकाह कैसे हो सकता है? पता नहीं जी, सब वहां पर गए। कौन से हॉल में गए? मसला क्या है जी? किस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है ये? और वो औरत जो आई थी वो कौन है? वो राहत भाई की भाभी थी, सहेल भाई की एक्स वाइफ। अच्छा, तो उसके आने से इतना स्ट्रेस हो गया कि ये बेहोश हो गई? गिरी तो वो होश में आने के बाद है। देखो, मुझे ना ये घुमा फिरा के बातें करना नहीं आती। मुझे साफ साफ बताओ सच क्या है। सच तो आपके सामने है। सोहेल की वाइफ यहाँ क्यों आई थी? वो समझी कि महापारा सोहेल भाई से शादी कर रही है, इसलिए बताने के लिए आई थी कि जो साजिश महापारा के साथ हुई है उसमें रायत का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि वो तो खुद इस साजिश का हिस्सा बन गया था। उसके पास आप लेट हो गए साहब, तकरीब खत्म हो गई। महापारा कहाँ है? वो सब हमें नहीं पता कौन कहाँ है, लेकिन शादी खत्म होगी, आप जा सकते हैं। लेकिन लेके कहाँ गए उसे? हमें नहीं पता साहब। जानती थी कि आप यहाँ जरूर आएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। शरीक तो आपकी शादी में होने के लिए आई थी, लेकिन तुरा कोई और निकला। बकवास बंद करो अपनी, ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने बताया ना रायत को सच? रायत को नहीं, महापारा को। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ शायद, लेकिन मैं ऐसा ना भी करती तो यही होता। आपको यहां से नामुराद ही लौटना पड़ता। महापारा आपसे कभी निकाह नहीं करती। मेरा मकसद महापारा को हासिल करना है और वो मैं करके रहूंगा।
भले बेखबरी में ही सही, पहली बार हाजरा ने कोई ढंग का काम किया। मुझे देखे मैं कितनी बेबस हो गई, मेरे दो बच्चे मुश्किल में और मैं आपके साथ नहीं हूं। हालांकि मुझे इस वक्त उनके साथ होना चाहिए था। एक मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता और दूसरी के पास रुकने का कोई जवाब नहीं। उन दोनों बच्चों पे जुल्म भी तो तुमने ही किया। मैं तंज नहीं कर रहा शैला, तुम्हें समझा रहा हूं। अब इंतजार करो शैला, जो वक्त सच्चाई को सामने लाया है, क्या पता वही वक्त मोहब्बतें भी वापस लाए। रायत की असलियत बताने आई हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। ये वो सारे बिल्स और रिसेप्शंस हैं। रायत को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था। नर्वस ब्रेकडाउन? मेरे शौहर, मेरे एक्स हस्बैंड और तुम्हारे होने वाले शौहर ने रायत को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने तुम्हारे इश्क में कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की और अब वो सबकी सच्चाई जान चुका है। अब वो नहीं बचेगा। सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की थी? वो तो इतने मजबूत थे, अपनों की साजिश के आगे कौन ठहर पाता है। बाज़ औकात इंसान सच को झूठ और झूठ को सच मानकर अपना ही नुकसान कर लेता है। लेकिन इतना पागल कौन होता है कि अपनी जान ही दे दे? जिसके पास जीने की कोई वजह ना हो वो कुछ भी कर सकता है। जीने के लिए इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है। शायद तुम्हारे जाने के बाद राइत भाई के पास कोई मोटिवेशन ही ना हो। मुझसे नफरत तो थी ना, और नफरत से ज्यादा ताकतवर जज्बा मैंने आज तक नहीं देखा। इंसान से कत्ल भी करवा सकता, और अगर वो नफरत खत्म हो गई हो तो क्या मतलब? अब तो राइत भाई की सच्चाई तुम्हारे सामने है तो नफरत भी नहीं रही होगी ना। तो क्या है तुम्हारे दिल में?